बेसिक मकसद ये है कि मुल्क में इम्पोर्टेड फूड है उसका नंबर बदल पैदा किया जाए और हमारे जो करंट अकाउंट जो प्रेशर है उसको रिलीव करें और सोलर पावर की तरफ जाए। चार मेजर इनिशिएटिव हैं जी, उनमें एक इनिशिएटिव है पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स जो सरकार की इमारतें हैं उनको सोलर एनर्जी के जरिए पावर किया जाएगा। इस सिलसिले में सर पिछले चंद माह से काम हो रहा था और चेन्नई एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसके लिए जो फ्रेमवर्क गाइडलाइंस थी वो तमाम मिनिस्ट्रीज को दिसंबर 27 को भेज दी गई। उसके बाद से मेरी भी एक सेशन हुआ था मिनिस्ट्रीज के साथ जिसमें उनकी कुछ ब्रीफिंग हुई थी। आज की सर आप जो इजलास कर रहे हैं इसका मतलब है कि एक तो आपकी तरफ से हाईलाइट हो जाए कि ये आपका एक प्रायोरिटी प्रोग्राम है, इसकी टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। हम चाहते हैं कि ये 30 मार्च तक प्रेफरेबली हो जाए ताकि समर फ्यू सकें। इसमें खाली मिनिस्ट्रीज भी हैं सर, मिनिस्ट्रीज की तमाम अटैच ऑर्गेनाइजेशन भी हैं कंट्री वर्किंग में, और मिनिस्ट्रीज में से जो इस्लामाबाद में बिल्डिंग्स हैं उनमें काफ़ी सारी खासतौर पर सेक्रेटेरिएट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, इस तरह पाक की जो बिल्डिंग्स हैं बिल्डिंग्स को वो इदारे करेंगे सोलर पार्क पर सर। और इससे हटके सर जो जगह रेंटेड है हमारा आते हैं उनमें नहीं किया जाएगा क्योंकि तो ब्रीफिंग कर दी गई थी। तो आज सर आप टाइम लाइन देंगे जी। बहुत शुक्रिया। मैं ये हमने कई महीने पहले ये एक्सरसाइज शुरू की थी कि महंगा ईंधन जो हम इंपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पर रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद तेल की कीमतों ने आसमान से बातें करनी शुरू कर दी और पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क दूसरे ममालिक की तरह एक बहुत बड़े चैलेंज का शिकार हो गया। ये जो साल गुजरा है फाइनेंशियल ईयर इसमें हमें तकरीबन 27 अरब डॉलर का ईंधन हमें इंपोर्ट करना पड़ा, गैस और ईंधन, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर गैस का भी बहुत बड़ा इशू सामने आया इस जंग के नतीजे में। फिर यूरोप को जो गैस जाती थी उसमें खलल आया और गैस जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त मुंह मांगे दामों पे वो ख़रीद रहे हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और भी मुश्किलात में बेपना इजाफा हुआ। इस वक्त बग़ैर किसी तफसील में जाए बग़ैर मैं ये कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि जब कोविड के ज़माने में गैस की कीमतें और तेल की कीमतें क्रैश कर गई थी और गैस तकरीबन 2-3 डॉलर पर यूनिट मिल रहा था, उस वक़्त जिस मुजरमाना गफलत से हमने काम लिया उसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ के ज़माने में शाहिद अब्बासी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इन्होंने कतर के साथ गैस का बड़ा अच्छा मुआहदा किया था, 15 साल पर मुहित था और वो तकरीबन 13 डॉलर 13.2 डॉलर पर यूनिट उसकी कीमत थी। उसके बाद एक और मुआहदा हुआ जो साबिक सपा सालार खुद गए थे, जो मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी, और वो भी 10 साल का वो मुआहदा था और शायद वो 10 डॉलर पे था या 11 डॉलर पे था। और जब कोविड की नतीजे में मार्केट बिल्कुल यानी लोग मुफ्त भी लेने को तैयार नहीं थे, उस वक्त की हुकूमत ने जिस तरह मैंने कहा कि बहुत तसाहुल बल्कि मुजरमाना गफलत से काम लिया और आज
सूरत हाल ये है कि गैस अवेलेबल नहीं है और तेल आसमानों से बातें कर रहा है। शाहिद अब्बासी साहब की कमेटी ने बड़ी अरकरेजी के साथ एक मंसूबा बनाया पिछले चंद महीनों में कि हम यानी लाइटनिंग स्पीड पर हम सोलर की तरफ और रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ें ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा इंपोर्ट बिल 27 अरब डॉलर का है वो हम अगर हम शमसी तवानाई की तरफ जाएंगे यानी हवा के ज़रिए बिजली बनाएंगे और हमारे जो पन बिजली के जो मंसूबे चल रहे हैं वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो भाषा डैम की ज़मीन ख़रीदी गई 100 अरब रुपए के ऊपर, इस तरह दासू डैम के ऊपर भी उसी ज़माने में काम शुरू हुआ, उसके ऊपर काम जारी है, उसको अब मज़ीद तेज़ करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, ये 6-7 साल में कम से कम ये बहुत बड़े मंसूबे हैं आबी ज़खायर के और पन बिजली के, इसके ऊपर खरबों रुपये चाहिए, जिसके ऊपर हम जो भी हमारी बिसात हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 6-7 साल में जाके ये मैच्योर होंगे। इसके लिए जो 10,000 मेगावाट का जो हमने सोलराइजेशन का जो मंसूबा बनाया है उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो बड़ी आप सब ने तमाम मुतल्लिका महकमों ने, पावर ने, पेट्रोलियम ने और दूसरे जो भी दर्जा बदर्जा जो महकमे हैं उन्होंने अपनी पूरी तरह कंट्रीब्यूशन की और शाहिद अब्बासी साहब ने ये 10,000 मेगावाट की पॉलिसी का आज से 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले इसका ऐलान किया और उसके ऊपर अब अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। लेकिन मुश्किलात क्या हैं वो मैं बड़ी मुख्तसर अंदाज में लेकिन इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर बताना चाहता हूँ। सी पैक के तहत जो मंसूबे लगे, जो कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हों या पन बिजली के प्रोजेक्ट हैं, करोट है और इस तरह के दूसरे, और बिजली के जो कोयले के बुनियाद पर चाहे वो पोर्ट कासिम है, साहिवाल है और दूसरे मंसूबे जो लगाए गए, उस वक़्त तो 2015 में आप जानते हैं 14 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और हमारे जो सरसब्ज खेत वो पीले हो गए और सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था और हमारी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई थी, लेकिन कौम ने हिम्मत निहारी और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने ना सिर्फ सी पैक के तहत बल्कि ख़ुद पाकिस्तान के अपने महदूद वसाइल के ज़रिए एलएनजी प्लांट्स लगाकर 20 घंटे की लोडिंग को 2018 तक ख़त्म कर दिया। इलेक्शन से पहले अचीवमेंट थी, इट वाज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, इट वाज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट आर इन पाकिस्तान हिस्ट्री और उसमें यकीनन तमाम पेट्रोलियम ने, पावर ने, सब ने मिलके ख़जाना ने अपना हिस्सा डाला और इस तरह कौम को तवाना किया। मगर आज जो भी कह लें, और मैं ये दोष किसी एक हुकूमत को नहीं दे रहा, ये तसलसल है मुख्तलिफ हुकूमतों का जिसमें डिक्टेटरशिप भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट शामिल हैं, कि चूंकि हमने इन 15-20 सालों में रिफॉर्म्स नहीं की और उसका नतीजा ये है कि आज सर्कुलर डेट जो है यानी जो उसका मतलब ये है कि आप बिजली आप महंगी बनाते हैं और आगे ज़ाहिर है कि जो सारफ जो है ख़ास तौर पर जो गरीब आदमी, आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास, उनको आप बिजली जो आपकी लागत है उससे कम देते हैं और इसमें यकीनन बिजली चोरी भी शामिल है, इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस भी शामिल है और उसमें और दूसरे बिलिंग के इश्यूज हैं, इसमें बाज़
जगहों पर बिजली इस्तेमाल होती है, एक ढीला नहीं दिया जाता, तो ये सारे के सारा मिलकर एक मेगा चैलेंज बन चुका है। और ये जो अब बिजली की मद में जो हमारा जो सर्कुलर डेट जो है, ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का अजदहा बन चुका है। एज आई स्पीक 2.5 trillion रुपीस, तकरीबन 2500 अरब रुपए, 2500 अरब रुपए, यानी अंदाज़ा कर लें कि 2500 अरब रुपए पाकिस्तान का जो फेडरल जो PSDP है वो 700 अरब है, और ये जो आपका जो सर्कुलर डेट है ये उससे 4 गुना ज़्यादा है। इसी तरह गैस का भी अब सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया, उसकी भी अच्छी खासी अमाउंट है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ये यकीनन ये बदतरीन गफलत है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये 25-30 साल का ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के आज ये पहाड़ बन गया है। और ये मैंने जिस तरह कहा कि इसमें सब शामिल है, तमाम हुकूमतें जिन्होंने सर्कुलर डेट में हिस्सा डाला है और रिफॉर्म्स नहीं की, एंड दिस स्पैन्स ओवर एटलीस्ट द लास्ट 3 decades, और इस हमाम में सब नंगे हैं। इसको रिफॉर्म करनी है, इसको किस तरह करना है, यकीनन ये वक्त की शदीद तरीन ज़रूरत है, और अव्वलीन फुर्सत में हमें ये काम करना होगा। लेकिन यकीनन एक ऐसी हुकूमत जो इसको मार्ज वजूद में आए हुए सिर्फ 8 माह हुए हैं, वो 30 साल का ये जो एक पहाड़ नुमा जो मलबा है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आज शुरुआत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल एक वक्त दरकार है, और इसके लिए हमें कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। लेकिन मैं असल मौजू की तरफ वापस आता हूँ। ये मैंने बातें बतानी इसलिए ज़रूरी समझी कि कौम को अच्छी तरह आगाही हो कि हमारे इस मामले में मईशत को, यानी दूसरे जो मिसमैनेजमेंट के अलावा जो करप्शन और दूसरे मामलात हैं उसके अलावा हमारे क्या चैलेंजेस हैं, और वो हैं यानी लॉन्ग ओवरड्यू रिफॉर्म्स, और उसके लिए यकीनन हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के इस मीटिंग के हवाले से मैंने आप सबको जो यहाँ पर ज़हमत दी, आप सब अपनी अपनी दाएँ बहुत बड़े काबिल, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े कमिटेड पाकिस्तानी हैं, और बड़े रिस्पॉन्सिबल आप ऑफिसर्स हैं, और आपने अपनी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा आपने पाकिस्तान की खिदमत के लिए आपने गुजारा है। यकीनन आप के लिए नई बात नहीं है, लेकिन जो आपके लिए भी एक चैलेंज है वो एक इनर्शिया है, और वो इनर्शिया उसकी जो बुनियादी वजह है वो माजी में नैब के नाम पर जो एहतसाब के नाम पर जो विक्टिमाइजेशन हुई है, जिसमें सियासतदान तो जेलों में जाते हैं, वापस आते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर वो अपना कौम के सामने अपनी सफाई और साफ गोई के लिए वो अपनी वो बाकायदा अपने केस पेश करते हैं। मगर आप तो सियासतदान नहीं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपने सारी उम्र कौम को सर्व किया, आपने एक ही ख्वाहिश होगी आपकी, आपकी बेटों की, बेटियों की, आपके अजीज़ों की, भाइयों की, आपके वालदैन की, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो इस वक्त कौम को सर्व कर रही है वो खिदमत करे और इज्जत और वकार के साथ घर वापस आए, ताकि वो सर ऊंचा करके पाकिस्तान के शहरों, गलियों और मोहल्लों में आप जा सकें। बदकिस्मती से, और मुझे ये बड़े एक दुखी दिल के साथ कहना पड़े, बदकिस्मती से पिछले दौर में जिस तरीके से विच हंटिंग की गई और एहतसाब के नाम पर जो
क्या लफ्ज है जो एहतसाब के नाम पर जी इंतकाम लिया गया, थैंक यू, जो इंतकाम लिया गया और एक उसकी एक पूरी तरह पूरे आबोताब के साथ, यानी मैं जो हमेशा कहता हूँ और उसमें कोई दो राय नहीं कि नैब न्याजी गठजोड़ ने जो इंतकाम लिया और बदतरीन इंतकाम लिया और बर्बरियत की और इट वॉज इट अमाउंटेड टू फैशिज्म। हमारी जो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्वेंट्स हैं चाहे वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी बहुत दिलचस्प नहीं हुई। और मैं जानता हूँ इस टेबल पर जो बैठे हैं और जो इस टेबल पर नहीं हैं, जो अपने अपनी फ़राइज़ इस इस्लामाबाद में और सूबों में अदा कर रहे हैं, वो किस तरह उनके हौसले पस्त हुए। और इस टेबल में बैठे हैं, मैं ज़ाती तौर पर बास अफसरान को जानता हूँ जिनकी दर्जनों पेशियाँ हुई नैब में और उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए ना जाने किस तरह पापड़ पेले और दुआएं की, दुआएं करवाई, दरगाहों पे गए, नेक लोगों के पास गए और यानी ख़त्म शरीफ कराए कि हमारी जो नेक नामी और इज्जत पर आँच ना आए। तो मैं समझता हूँ कि इससे सबसे बड़ा ज़ोफ़ पहुँचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। और जब मैं देखता हूँ वो माह साल जब मैंने पंजाब में बतौर खादम पंजाब 10 साल एंड वन स्टैंड खदमत की, दो अदवार में आफ्टर इलेक्शंस 2008 से लेकर 2013 और 2013 से लेकर 2018 और फिर 1997 से 1999 जब हमारा दौर एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उसको स्कटल किया, तो इन 12.5 साल की जो मैं खदमत देखता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को देखता हूँ उनकी परफॉर्मेंस, और आज ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी कोशिश के साथ जब देखती हूँ तो मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क देखता हूँ। एंड आई डोंट होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर ग्रीवेंसेस, आई कैन अंडरस्टैंड योर ट्रबल्स एंड यू नो यू हैव पास थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। और कोई भी ऐसा एक नेक नाम ईमानदार अफसर कोई भी होता तो यकीनन उसका गिला वही होता जो आपको गिला है। लेकिन अब यकीनन हालात बदले हैं और विच हंटिंग चीज़ नहीं है, लेकिन ये अगर मैं ना भी कहूँ तो ये आपके जहनों में बात है और ये ज़बान जद आम है कि ठीक है जी अब ये गुजर जाए, कल को हालात बदले तो फिर हम जकड़े जाएंगे, फिर हम नैब के कटहरे में खड़े होंगे, फिर हम किसी एक शख्स की ख्वाहिश पर हमें विच हंटिंग होगी, हम किधर जाएंगे। तो आज फाइल को हिलाना एक कार्य दारत है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं इन तमाम आपके मसाइल को समझता हूँ, आई अप्रिशिएट एंड आई डोंट वांट टू पुश यू बियॉन्ड अ पॉइंट, आई बिकॉज इट इज़ ह्यूमन साइकी कि भाई यू कांट अलाउ योरसेल्फ टू बी बिटन ट्वाइस। तो अपना दूध का जला वो भी वो फूक फूक कर वो पीता और कदम को बड़े ध्यान से रखता है, लेकिन दिस इज़ अ नेशनल कॉज, इट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, इट्स अ नेशनल सर्विस कि आज कौम आपसे इस बात की बजा तौर पर तोक्को रखती है कि जिस मुल्क में 27 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट करने पर हमारे जो वसाइल जो है वो चले जाएं, तो वो तरक्की और खुशहाली कहाँ से आएगी। यानी हमारे जो मुर्गजार हैं, हमारे जो खेत खलियान हैं, हमारी सनद की चिमनियाँ, उनको धुआं कहाँ से निकलेगा, रोज़गार कहाँ से आगे बढ़ेगा। वो तभी होगा कि सस्ती बिजली हम मुहैया करें, हम अपने वसाइल जो हैं उनको कंजर्व करें, बचते करें और कंजर्वेशन के जो इकदामात है वो उठाएं। वो इंशाल्लाह कल हम कैबिनेट में लेके आएंगे, वो एक अलहदा वो है, वो मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, वगरना फिर ये मामला फोकस नहीं होगा, फिर ज़रा कन्फ्यूज़ होगा उसमें और भी फिर जहतें आ जाएंगी। तो कौम ये हमसे बजा तौर पर तोक्को करती है कि हमें फिल फॉर और फौरी तौर पर
यानी क्योंकि आवाम की तवक्कोआत हैं, बेचारे देखें किस तरह महंगाई में पिस रहे हैं, और ये कोलिशन गवर्नमेंट की ये आखिरी ख्वाहिश नहीं, वो कभी भी इनकी ख्वाहिश ना होगी ना थी कि महंगाई का बोझ आवाम पर अपना ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन एक मजबूरी है। IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम किसान को अगर हम उसकी जायज़ उसको हम अपना उसकी जो पैदावार बढ़ाने के लिए सब्सिडी देना चाहें तो वी हैव टू गो टू IMF। आज हम जो बेचारे करोड़ों लोग जो सैलाब से तबाह हाल हैं उनको अगर हम कोई सब्सिडी देना चाहें वी हैव टू गो टू IMF। आज हम अगर इस मुल्क के अंदर सनती तरक्की को आगे लेके जाना चाहें तो कोई जायज़ सब्सिडी देना चाहें वी हैव टू गो टू IMF। ये एक हकीकत है और एक बहुत एक दर्दनाक हकीकत है। तो इसलिए जहाँ पर IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखना है कि उसके बगैर अभी शॉर्ट टर्म में कोई हमारा गुजारा नहीं है, वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू गो अलॉन्ग विद द फ्लो। IMF के प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है और ये फेज मुकम्मल करना है जो नेक्स्ट जून को ख़त्म होगा, अगले जून को, नेक्स्ट जून को ये ख़त्म, और खुदा करे कि ये हम इसको इज्जत और वकार के साथ अपनी कमिटमेंट जो है निभा सकें। और मैं पाकिस्तानी कौम को दाद देता हूँ, माओं को, बेटों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, मज़दूरों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, कि किस तरीके से वो इस बोझ को लेके चल रहे हैं, महंगाई के बोझ को, और बेचारे वो अपना अपनी सब्र और तहमल का बेहतरीन मुजाहरा वो कर रहे हैं, लेकिन इट कॉन्ट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हमें अपने फौरी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम हमें करने होंगे जिससे कि मुल्क की तरक्की यानी ज़राअत और सनत जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसके लिए जो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो सबसे जो इमीडिएट जो लो हैंगिंग फ्रूट वो शमसी तवानाई है। जब मैंने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में भावलपुर में सोलर पार्क का, पाकिस्तान का पहला सोलर पार्क की बुनियाद रखी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ें उठी, और दिल आज भी दुखता है कि जी ये यानी सब सुकत नेपरा का जो था जो टैरिफ था वो 17 सेंट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई शफाफ तरीके से जब हमने 100 मेगावाट का वो लगाया तो ख़ुद हमने नेपरा को ऑफर किया, भाई आपके 17 सेंट्स हैं, आए ये हमारी कॉस्ट जो है इससे कम कर लें, तो 13 सेंट्स उन्होंने रिवाइज़ किया बिकॉज ऑफ कायदे आज़म सोलर पार्क, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट्स नॉट माई क्रेडिट, इट इज़ मियां नवाज शरीफ़'स क्रेडिट एंड द इंटायर टीम वर्क विच हैपन एट द फेडरल लेवल एंड द प्रोविंशियल लेवल। टीम वर्क के बगैर कभी कप्तान एक होता है मगर उसके 11 खिलाड़ी होते हैं, वो जब तक अच्छी स्पिन ना करें और यू नो वो लेग कटर्स ना लगाएं और अच्छी बैटिंग ना करें और गूगलिंग ना करें और वो हिट ना करें तो टीम कभी कामयाब नहीं होती। इट्स ऑलवेज टीम वर्क, रिमेंबर इट्स ऑलवेज टीम वर्क, विदाउट दैट यू नो घर का खर्चा नहीं चलता, कौमों को तामीर करना तो बड़ी दूर की बात है। तो जब हमने वो लगाया सोलर पार्क 100 मेगावाट का इंतहाई शफाफ तरीके से और वो 17 सेंट से 13 सेंट पे नेपरा लेके आया, वी वेरी हैप्पी। हमारे मन ना हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट का मनसूबा है, छोटा सा प्रॉफिट आप रिवाइज करें और 13.5 सेंट पे हुआ, डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन उसके ऊपर क्या क्या बेबुनियाद और बेहूदा इल्जाम लगे। मिसाल के तौर पर एक एंकर ने कहा जनाब ये तो 8 घंटे ये बिजली देता है, तो मैंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है पर बता दो जहाँ पर 10-11 घंटे सोलर पर बिजली मिलती हो, या कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा सूरज जो है उसकी ज़िंदगी है 24 घंटे में। कुछ खुदा का खौफ करो कि सोलर पूरी दुनिया में जब सूरज जो है चमकता है तो वो 8 घंटे या 9 घंटे उसकी लाइफ है, 10 घंटे, तो उसके बाद जब सूरज छुप जाता है और चांद मम उगाता है तो सोलर की तवानाई ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। इट इज़ आई मीन एक बच्चा भी इस बात को समझता है। इस तरह की बेबुनियाद
और बेहुदा प्रोपेगेंडा उस जमाने में किया गया, क्यों? मुस्लिम लीग नून को, हुकूमत को बदनाम करने के लिए कि जनाब इनको बदनाम करो, और रेस्ट इज हिस्ट्री, आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स एट दिस मोमेंट, लेकिन एक लाडले को तैयार किया जा रहा था, इसलिए सोलर को बदनाम किया और कहा जी सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे जो भी, अपना सुबह जब सूरज चढ़ता है जब गुरूब होता है 12 घंटे। तो मैंने कहा कि दुनिया, फिर हमने तो जनाब नेपरा का टैरिफ 17 से हमारे इस मनसूबे की वजह से 13.5 सेंट हो गया। तो मतलब एक तूफान था बदतमीजी का और बदनामी की जा रही थी अच्छे काम की भी, तो जिसकी वजह से आप लोगों को ऊपर भी बोझ आया, आपने भी बदनामी सही और आपने फिर मुहतात हो गए आप लोग। अब वो 56 कंपनियाँ कहाँ गई? 56 कंपनियाँ उस जमाने के चीफ जस्टिस जो थे साकिब निजार साहब, वो 56 कंपनियों के पीछे पड़ गए पंजाब में, एज इफ कोई कंपनी पाकिस्तान में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती। एज ही टुक नोटिस ऑफ दीज 56 कंपनी पंजाब एट दैट पॉइंट टाइम, कंपनीज अंडर गवर्नमेंट लॉ दे एग्जिस्टेड इन फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर प्रोविंसेस, किसी ने उनको नहीं पूछा पंजाब में 56 कंपनी लगेंगी। एज टाइम हैज पास्ट, आज इस बात को 5 साल हो गए, एक धेले की करप्शन उन कंपनियों के खिलाफ किसी ने नहीं निकाल सकी। तो इस तरह कौम का वक्त ज़ाया किया गया, इस तरह कौम को बर्बाद करने का मसाला बनाया गया, इस तरह आज हम सोलर, अपना हवा से बिजली और पन बिजली के मंसूबे या तरक्की के जो दूसरे जो हमारे जो मंसूबे हैं उसके ऊपर काम ठप हो गया। और अगर ये कोई कहता है कि जी अफसरशाही, मैं माफ़ कीजिए अफसरशाही उर्दू में कहता हूँ, बट पब्लिक सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स, अगर वो बैठ गए हैं तो मैं तो उनको मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, किसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं? तो उन्होंने, उनको अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी थी, आपको अपने बच्चों की इज्जत प्यारी थी, स्कूल में जाते थे ताने देते थे अब्बू आपने करप्शन कर ली, ये अखबार में आया फलां आया, इस तरह पाकिस्तान को बदनाम करके हमारी जो तरक्की की रफ्तार को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। बहर कैफ आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड डीपली ओब्लाइज कि आप फिर हौसला करके चीज़ों को चलाते हैं, गो कि वो रफ्तार अभी तक वो नहीं आई जो आनी चाहिए, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आई मीन ये वक्त जो है वो टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक होंगी। तो आज जो आपको जो यहाँ पर जहमत दी है वो 10,000 मेगावाट का जो सोलराइजेशन का जो मनसूबा वो तो आपके इल्म में है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट जो फेज़ है, अर्लीस्ट जो स्टेप है और लो हैंगिंग फ्रूट है, वो है सरकारी महकमों की जो बिल्डिंग्स हैं फेडरल गवर्नमेंट, और मैं भी सूबाई हुकूमतों से भी इसी मीटिंग के हवाले से दरख्वास्त करूँगा कि सरकारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स, उनके दफातर जहाँ वो काम करते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हैं या उनकी जो ऑफशूट्स हैं सूबों में, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में या जहाँ पर भी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर हम फिल फॉर उनको शमची तवानाई के ज़रिए चलाने का हमने मंसूबा मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है। कल उसकी आखिरी मीटिंग थी, उसमें टाइम लाइन दे दिए, मैं अभी टाइम लाइन को बढ़ाता हूँ अभी एक सेकेंड में, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है वो ये मॉडल है क्या? लेट्स से अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री है राणा सनाउल्ला साहब की, तो इनकी मिनिस्ट्री में जो इनका जो बिजली का जो खर्चा है, बिल है, चाहे वो इनके अपने हेड ऑफिस में है या सूबों में है, जहाँ भी इनके ऑफिस हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेट्स से वो अगर 100 रुपया है इनका बिल, तो वो 100 रुपया महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं अपना अपना जो भी, और बनती वो है 34 रुपये पे या 30 रुपये पे, फिर वो थोड़ी सब्सिडाइज भी होती है, और वो सर्कुलर डेट की मैंने बात कर ली वो आवाम को, तो वो महंगी तरीन बिजली और तेल इंपोर्ट करते हैं अपना डॉलर्स में, अरबों डॉलर का, मैंने भी बताया आपको 27 अरब डॉलर। तो ये जो बिजली का बिल जो है जो देते हैं, ये इस्तेमाल करेंगे सोलर पैनल लगाने के ऊपर, यानी सोलर पैनल लगाएंगे, कंपनी आएंगी, वो अपना वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी, और ये जो बिजली का बिल देते हैं वो सोलर की जो इकसात हैं इन्वेस्टमेंट की वो देंगे।
इस तरह यानी फंडिंग भी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएंगे अभी, वो लेटर भी एक इशू कर रहे हैं ताकि जिस इदारे ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में वो क्या कहलाता है एनर्जी नहीं नहीं ऑल्टरनेट एनर्जी डिपार्टमेंट के हाउस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो दे विल बी दी प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर ऑल दीज मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ताकि उनको जिसका काम उनको साझे। मैं तफसील में जा रहा था, वो ये करेंगे। फंडिंग हर डिपार्टमेंट की अपनी है, मिनिस्ट्रीज की अपनी फंडिंग है, तो वो बजाय हर महीने महंगी जो बिजली बन रही है तेल और गैस से, जिसने हमारी मईशत को अपना के परख से उड़ा दी है, वही अमाउंट उससे बढ़ कर वही अमाउंट जो उनकी बजटेड है, वो सोलर की जो अपना बिजली बनेगी, इन्वेस्टमेंट होगी, वो उसकी एक साथ देंगे। तो इसमें कोई एडिशनल ना हमें रकम चाहिए ना कोई और चाहिए। तो ये एक मॉडल हमने फौरन इसको लॉन्च किया है, और जो हमने टाइमलाइंस बनाई हैं वो इंशाल्लाह अप्रैल अगले साल, बाकी सब अल्लाह के हाथ में और अल्लाह ताला के बाद आप लोगों के हाथ में, आप सब के हाथ में है कि किस तरह आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अपना बचाना है और उसको ताबनाक बनाना है। ये आपके हाथ में है कि कितनी जल्दी आप सर्वेस करवाते हैं अपनी बिल्डिंग्स का, कितनी जल्दी आप वो फॉर्म्स भरते हैं, कितनी जल्दी आप सारी जो रिक्वायरमेंट पूरी करके उनको देते हैं, और उसकी फिर आगे बिडिंग होनी है, शफाफ तरीके से बिडिंग होगी। उसमें मैं सारी बात कर चुका हूँ, वो मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा ताकि पूरी तरह जो उसकी सलाहियत है उसको बाकायदा मेजर किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट बिडिंग होगी और कोई स्पॉइलर ना आए, इसलिए लिहाजा प्री क्वालिफिकेशन होगी, स्पेसिफिकेशंस की दी जाएंगी ताकि वक्त ना ज़ाया हो, कोई स्पॉइलर ना आए, कोई फ्रॉड ना हो, और कौम का वक्त ज़ाया के बगैर हम अगले साल इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, आपकी सबकी मेहनत होगी, तो बाय एंड ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर ये सरकार फेडरल गवर्नमेंट के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो नेक्टा है, चाहे वो हेल्थ है, इंटीरियर है, जो भी है अपना खुद बिजली कई की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर बिजली यही सस्ती लगेगी। और इस तरह अगले साल अप्रैल में हमारी ये कैलकुलेशन है, इंशाल्लाह टाइमलाइंस दे दी गई हैं, उसको आपने अब मीट करना है। ये आपकी लिए चैलेंज है, ये आपकी मेहरबानी होगी, ये आपकी कौमी एक बहुत बड़ी खदमत होगी कि आप वो सारी जो डिटेल्स हैं वो आप जो प्रोसेस हैं मुकम्मल करके आप देंगे इनको अल्टरनेटिव एनर्जी डिपार्टमेंट तो बोर्ड इसको आप देंगे ताकि फिर वो आगे फौरी तौर पर उसकी प्रोक्योरमेंट करें। तो ये आज की मीटिंग का खुलासा है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ इससे क्या होगा, तीन चीज़ें होंगी। ये बताया जाता है कि बॉल पार्क फिगर ये है कि 300 मेगावाट से लेकर 400-500 मेगावाट ये अपना शमसी तवानाई से ये तमाम फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज जो हैं, इदारे हैं, सूबों में जहाँ जहाँ आपके हैं, वो इतनी शायद बिजली के मंसूबे शमसी तवाने से इंस्टॉल होंगे। अगर 300 है लेट से, तो उतनी हद तक आपकी जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। वो कितने $100 मिलियन साल का, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन। एक एक डॉलर इस वक्त कीमती है, एक एक डॉलर। तो वो आपकी जो बचत है वो एक कौमी बचत होगी, आपकी इम्पोर्ट उससे आपकी बचेगी, तेल उतना अगर लेट से इसको 300 मेगावाट या 500 मेगावाट इन बिल्डिंग में खर्च होता है, महंगी तरीन बिजली जो महंगे तरीन तेल और गैस बनती है, उतनी बिजली अगर शमसी तवानाई से बनेगी तो ये पाकिस्तान का इतना बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी बहुत बड़ी कौमी खदमत होगी। एंड आई वॉन्ट टू मैंशन इट हेयर विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन कि जिस मिनिस्ट्री का सबसे शानदार स्पीड और रिकॉर्ड होगा, आई विल इंश्योर दैट दैट मिनिस्टर एंड दैट सेक्रेटरी एंड देयर कॉलीग्स वुड बी गिवन पब्लिक रिकग्निशन इंशाल्लाह कि भी इन्होंने कौम की बहुत बड़ी खदमत की है, सबसे आगे रेस में ये हैं, इसको हम सलाम करते हैं, उनको हम तगमा देंगे। इस तरह सेकंड, थर्ड और भी हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे ताकि एक जस्तजू पैदा हो
एक कौमी यकजहती के साथ और एक कमिटमेंट के साथ आप उस दौड़ में आए, तो इसी तरह जब तेल की बचत होगी उतने मेगावाट, जिस तरह मैंने कहा कि एक अंदाज़ा है कि 300 से लेके 500 मेगावाट तक की बिजली जो है ये इस्तेमाल होगी इन वफाकी बिल्डिंग्स और इदारों में और मिनिस्ट्रीज में, सस्ती बिजली पैदा होगी। मुझे नहीं पता कि वो जब बिड्स आएंगी तो वो क्या वो टैरिफ आएगा, लेकिन दुनिया में इस वक्त 3 सेंट से कितना है, 3.5 सेंट्स अपना बनती है इस वक्त पर यूनिट में अपना शमची तवाना से जो बिजली पैदा होती है, जो 2000 मैंने जिस तरह बताया 10-11 में नेपरा का 17 था और हमने सस्ता लगा के उसको 13 पे लेके आए, आज वही बिजली 3.5-4 सेंट्स पे या 3-3.5 सेंट्स पे है। अगर इसको आप अपने रुपयों में इसको आप कन्वर्ट करें तो कितना, ये कोई 8 रुपये कहाँ, 8 रुपये और कहाँ ये बिजली किस भाव पे बेच रहे हैं भाई, 34 रुपये इन आपके महकमे में मिलती है। मैं कहता हूँ 8 रुपये छोड़े 10 रुपये लगा लें ओवर हेड लगा के भी, या कॉस्ट ओवर रन इंशाल्लाह नहीं होंगी, तो कहाँ 8 रुपये 10 रुपये कहाँ 34 रुपये जो आप पे कर रहे हैं इस अपना महंगी तरीन बिजली, और फिर आप इम्पोर्ट करते हैं तेल और डॉलर उसके ऊपर हमारे रखते, ये दिल में अपने तीर चुपते हैं तीर, तो इसको इस बचत को अपना मटेरियलाइज करना ये आपका कौमी फरीजा है, मुझ समेत आप सबका जो इस हॉल में बैठे हैं और जो इस हॉल में नहीं बैठे, एक हमारा कौमी फरीजा है, मिली फरीजा है, सियासी फरीजा है और मजहबी फरीजा है कि हम इस कौम को हम कायद के अफकार की तरफ लेके चले, तो ये उसकी बुनियाद है, ये उसके यानी ये उसके स्टेप्स हैं उस तरफ। तो मुझे आपसे भरपूर उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप इस अजीम मंसूबे में आप पूरा हिस्सा डालेंगे एंड यू विल विन द रेस इंशाल्लाह थ्रू योर पर्सनल एफर्ट्स एंड ये बकायदा एक स्प्रिंट है स्प्रिंट, और इट्स जब कहते हैं कि 3 मिनट 2 मिनट तो इट्स 2 मंथ 3 मंथ्स की स्प्रिंट है, आपने इसको जीतना है, पाकिस्तान को आपने जितवाना है। मैं इसी हवाले से सूबों को गुजारिश करूंगा, सूबाई वज़ीरे आला को, पंजाब के वज़ीरे आला को, सिंध के वज़ीरे आला को, KPK के वज़ीरे आला को, और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को, उनसे आपको मैं गुजारिश करूंगा कि इसी पैटर्न पर आप भी अपने सूबों में शमसी तवानाई का आप जाल बिछा दें। फेडरल गवर्नमेंट, आई विल बी एट योर बेक एंड कॉल, मैं आपका खादिम हूंगा, जो आपको फेडरल गवर्नमेंट से मदद चाहिए, चाहे वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई परमिशन है, जो भी चाहिए वो इंशाल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट आपकी पूरी तरह आपकी पुश्त पर होगी। अगर आप इस में हिस्सा डालेंगे तो ये 300-500 मेगावाट नहीं रहेगा, ये हज़ारों मेगावाट में चला जाएगा, हज़ारों मेगावाट में इंशाल्लाह, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे अंदाज़ा करें कि आई डोंट नो राशिद लंगड़ियाल, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कि अगर 1000 मेगावाट बिजली बनती है उसके ऊपर कितना डॉलर का तेल खर्च होता है, हैज एनीबॉडी एनी आइडिया अबाउट इट? शायद चले कोई बात नहीं, बट इट विल रन इनटू एनुअली इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और सस्ती बिजली, यानी अगर आज किसान को अगर सस्ती बिजली सब्सिडाइज जाती है वो 24 रुपये है, किसान को 24 रुपये मिलता है उनके ट्यूबवेल को, अगर ये सोलर की से बिजली पैदा होगी तो वो 8 रुपये है 10 रुपये है, यार इससे बड़ी कौमी खदमत क्या हो सकती है? वी शुड बेंड बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड गो द होल हॉग और इस मंसूबे को हम मुकम्मल करें। इसके साथ जो जुड़ा हुआ मंसूबा है वो लिटिल लॉन्ग टर्म के, हमने जहाँ पर ये LNG के प्लांट्स लगाए हैं ये हवेली बहादुरशाह में, वहाँ पर 1200 मेगावाट शमसी तवानाई का वहाँ पर मंसूबा है, 600 मेगावाट वहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में वहाँ पर जो प्लांट लगे हैं वहाँ पर मंसूबा है, और इस तरह दूसरे मंसूबे पब्लिक बिल्डिंग्स कमर्शियल सेंटर्स, इन सबको हम इंशाल्लाह तरगीब देंगे। वी विल स्टार्ट विल शो यू नो लीडरशिप बाय पर्सनल एग्जांपल और फिर इंशाल्लाह हम पूरी कौम को इसमें
शरीक करेंगे कि वाहिद रास्ता है, दिस इज द ओनली एंड द ओनली एंड द ओनली ऑप्शन ऑफ आर सर्वाइवल एज अ नेशन, जैसे कि हम इंशाल्लाह कौम को तवाना कर सकते हैं, हम अपनी ज़रात को, सनत को, घरों को, कारोबार को, दुकानों को, कमर्शियल सेंटर्स को, स्कूलों को, अस्पतालों को, हम इसके ज़रिए हम अगर लिट करेंगे तो इससे बड़ी कोई कौमी खदमत नहीं होगी। और शायद पाकिस्तान की तारीख में आप हमेशा आपका नाम सुनहरे हरूफ से वो याद रखा जाएगा। एंड आई मीन इट, आई एम नॉट, ये लफाजी नहीं, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, दिल की मैं अमीक गहराइयों से मैं बात कर रहा हूँ। और आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पूरी उम्मीद है यू विल लिव अप टू दिस चैलेंज एंड यू विल स्टैंड अप एंड एक्सेप्ट द चैलेंज एंड से नो टू ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड गॉसिप्स एंड बेसलेस एलिगेशंस। इंशाल्लाह इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, बहुत वक्त ज़ाया हो गया, पुलों से बहुत पानी बह गया है, बहुत कौम ने बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़ी हमें हजीमत वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ा, और अभी भी वो रास्ता अभी चल रहा है। लेकिन वो शायद अगर हमारी ज़िंदगियों में आपकी मेहनत की वजह से अगर ये मौका आ जाए कि हम पहला कदम उठाएँ कायद आज़म के पाकिस्तान की तरफ, तो आई थिंक एटलीस्ट आई वुड हैव अर्न माई डे ऑनेस्टली, एंड आई विल प्रॉब्ली बी वेरी, माई सोल बी वेरी वेरी कम्फर्टेबल माई ग्रेव। तो आज हम इस बात का अहद करें, उस खुदा को हम अपना उससे मदद मांगें कि अल्लाह हमारी मदद करे। और ये वो मिशन है, ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो मनसूबा है जिसके लिए हम जान तोड़ कोशिश करें, तो वो जो माजी की जो तलखियाँ हैं, माजी की जो ज़्यादतियाँ हैं, माजी का जो जुल्म आपके ऊपर हुआ है, वो इंशाल्लाह वो राहत और खुशियों में बदल जाएगा, और पूरी कौम को आप एक तरक्की और खुशहाली की तरफ आप उस डगर पर डाल देंगे। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह बेवजू पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।